हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे बेटे। ठीक है, हम स्टडी करेंगे कि ग्राफ कैसे हेल्पफुल हैं मोशन को डिफाइन करने में। तो बच्चों, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ बेटे? आपके पास जनरली आप वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे 2 जो है वो m के बराबर है और x जो है वो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम 0 बोल देंगे इसको, x एक्सिस बोल दें और इसको y एक्सिस बोल दें। तो जब हम आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं कि ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे x लिखते हो, यहाँ पे y। तो बच्चों, x की वैल्यू आप पुट करोगी 0, तो y की कितनी आएगी? 0। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। x के कोऑर्डिनेट भी 0 है और y के कोऑर्डिनेट भी 0 है। आप x की वैल्यू को 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, चलते जाओ बेटे, y की वैल्यू को, x की वैल्यू को 2 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे सूटेबल स्केल सेलेक्ट करो, है ना, 1, 2 और यहाँ पे 2 और 4। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स है। जब इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसी आएगी। तो बच्चों, जब पॉइंट आप डिपिक्ट करोगे, x कितना है? 1 है, y 2 हो गया, x 2 है, तो y कितना हो गया बच्चों? 4। तो ये मिला देंगे तो क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट आपकी कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जनरली जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन आता है। यदि आप टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आप ड्रा करो तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताना था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा प्लॉट होता है आपका एक्स एक्सिस पे। ये एक सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसके अलॉन्ग प्लॉट करोगे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बेटे? ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जैसे आप चाहे डिस्प्लेसमेंट ना भी करो बेटे, है ना, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चाहे ना भी मूव करो, लेकिन टाइम का जो फ्लो है वो तो कॉन्टीन्यूसली आपका रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो है वो कैरी करते हैं। डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, उनके बीच में सर्टन रिलेशनशिप बनाते हैं बेटे। ठीक है, सर्टन रिलेशनशिप जो है वो ये ग्राफ जो आपके बनाते हैं। सर्टन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? सारे बच्चे क्रिकेट तो बहुत देखते हैं बेटे, तो क्रिकेट में क्या होता है, हर एक ओवर के बाद आपको ऐसे बार दिखेंगे ना, बड़े बड़े बार, राइट। तो ये जो बार हैं ये आपका स्कोर को बताएंगे, 6
3, 3, 2, कई बार खाली भी हो जाती है बार। तो यहाँ पे आपके ओवर्स हैं और ये आपका क्या है बेटे, बड़े बड़े वर्टिकल बार रन रेट को बताते हैं। किसको बताते हैं बच्चों? रन रेट को बताते हैं, ठीक है, कि ये इसका रन रेट है। तो मोशन आप जब स्टडी करोगे स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, तो जो ग्राफ है बच्चों आपका, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के लिए ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये इक्वेशंस हैं b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं आपकी, ये यूनिफॉर्मली एसेलेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं। तो बच्चों हम इन इक्वेशंस को हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो सारे बच्चों ने ये यहाँ तक ये करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन सब के ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, इनके सिग्निफिकेंस बताऊंगा बेटे कि ये ग्राफ कहाँ पे यूज़ होंगे, और हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल भी हम बच्चों सॉल्व करेंगे। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी चैनल को पक्का करो बेटा, ताकि मुझे फर्दर इनकरेजमेंट मिले और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है बच्चों।